हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है तौहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टेप। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह से अपने प्रिंटर का हेड क्लीन कर सकते हैं, ठीक है? किस तरह से आप अपने प्रिंटर को साफ कर सकते हैं, प्रिंटर का हेड साफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट के लिए देते हैं, ठीक है, और वो जब प्रिंट होके बाहर आती है तो उसमें दाग रहता है, ठीक, उसका टेक्स्ट सही नहीं प्रिंट आ पाता है और साथ ही साथ उसमें लाइनिंग प्रॉब्लम भी रहती है। तो ठीक है फ्रेंड, तो ये सब होता है कि अब आपके प्रिंटर का हेड क्लीन नहीं होना, ठीक है। अगर आप टाइम टाइम पे अपने प्रिंटर का हेड क्लीन करते रहेंगे तो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम आपके प्रिंट में नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड यही देखेंगे कि किस तरह से अपने प्रिंटर का हम हेड क्लीन करते हैं। तो फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि अपने सिस्टम से या फिर अपने लैपटॉप से किस तरह से हम प्रिंटर का हेड क्लीन करें, किस तरह से हम अपने प्रिंटर को साफ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड, हमें सबसे पहले अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का यहाँ पे नीचे जो स्टार्ट का विंडो रहता है, स्टार्ट का बटन रहता है, उस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक डिवाइस एंड प्रिंटर का ऑप्शन शो हो जाएगा। डिवाइस एंड प्रिंटर का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे देखिए डिवाइस एंड प्रिंटर, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे मेरा ओपन होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो जो चीज़ मेरा सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ठीक है, और ये एप्सन का प्रिंटर है। आज के वीडियो में फ्रेंड हम यहाँ पे अपना एप्सन L130 सीरीज का प्रिंटर का हेड क्लीन करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं फ्रेंड कि आप पास भी एप्सन ही का प्रिंटर हो, आप पास किसी और भी कंपनी का प्रिंटर हो सकता है, जैसे कि HP हो, एप्सन हो या फिर और भी किसी कंपनी का आपके पास प्रिंटर हो सकता है। तो सारे प्रिंटर का प्रोसेस सेम रहता है। आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए और आप अपने किसी भी प्रिंटर का हेड क्लीन करना बड़े इजली वे में सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एप्सन का प्रिंटर को हम यहाँ पे हेड क्लीन करने जा रहे हैं। तो इस प्रिंटर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप राइट क्लिक कीजिएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पर आपको प्रिंटिंग प्रेफरेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये थर्ड नंबर पर मेरा जो प्रिंटिंग प्रेफरेंस का ऑप्शन है, हम उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में कुछ ऑप्शन दिखेगा। एक मेन है जो कि ओपन है, उसके बाद मोर ऑप्शन है, उसके बाद मेंटेनेंस है। तो हम यहाँ पे थर्ड में जो मेंटेनेंस का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो है हेड क्लीन का ऑप्शन, उस पर हम क्लिक करके और अपना हेड क्लीन कर देंगे। जैसे देखिए उस पर हम क्लिक करते हैं, जैसे उस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हेड क्लीनिंग कि प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप हेड क्लीन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टार्ट करें और नहीं तो फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमें यहाँ पे अपना हेड क्लीन करना है, तो हम स्टार्ट का बटन पे प्रेस कर देंगे। जैसे स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हेड क्लीन की जो प्रक्रिया है यानी इसकी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हेड क्लीनिंग इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट, ठीक है। तो आपको फ्रेंड यहाँ पे मतलब 3 to 5 मिनट, मतलब 3 से 5 मिनट का वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, जब तक ये हेड क्लीन की प्रोसेस पूरी नहीं होती। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब ये मेरा हेड क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो लास्ट स्टेज पे है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अब मेरा हेड क्लीनिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जो फिनिश का ऑप्शन दिख रहा है, फिनिश का बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको ओके का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दें। अब ये मेरा प्रिंटर का हेड क्लीन हो चुकी है। अब किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करके देख सकते हैं। वो जैसे कि पहले अगर दाग वगैरह, लाइनिंग वगैरह, लाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही होगी तो अब वो नहीं आएगी, ठीक है। अब वो प्रिंट आपका क्लीन हो चुका होगा। आई होप फ्रेंड इस वीडियो के हेल्प से आपको ये मालूम चल गया होगा, आपको ये सीखने को मिल गया होगा कि हाँ किस तरह से अपने प्रिंटर का हेड क्लीन किया जाता है। धन्यवाद।